वेलकम टू स्टेप पाइस। आज 23 अप्रैल 2018 है और हम द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज इम्पॉर्टेंट हैं। ये कॉर्नर का आर्टिकल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के ऊपर, जो एक इम्पीचमेंट के लिए नोटिस जारी की गई है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, उसके बारे में है चर्चा करेंगे। ये सेंटर का आर्टिकल कॉमनवेल्थ समिट से रिलेटेड है और ये आर्टिकल भी कॉमनवेल्थ समिट से ही रिलेटेड है, तो दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है, अभी देखिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, प्रेसिडेंट ने उसे अपना अप्रूवल दिया है, जिसमें अगर किसी भी 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप के केसेस आते हैं तो उन केसेस में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा दी जाएगी। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस पेज पर देखिए, ये जो आर्टिकल है, ये कॉटन को अभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पिंक बॉलवॉर्म नामक एक कीड़े के जरिए, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इस आर्टिकल में देखिए कुछ एक महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव दिखाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो ट्री प्लांटेशन होता है उसे भी फॉरेस्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। आर्टिकल इस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है, कहता है ये गलत अप्रोच है, हमें लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की आवश्यकता है, ना कि नॉमिनल काउंटिंग को बढ़ाने की आवश्यकता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ने अभी जो कैलकुलेशन का मेथड था इंडिया के फॉरेस्ट कवर को, उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए ये कह दिया है कि प्राइवेट लैंड पर जो प्लांटेशन की जाएगी उसे भी हम कैलकुलेशन में जोड़ लेंगे। लेकिन देखिए, ये बात बिल्कुल सर्वविदित है कि जो प्लांटेशन किया जाता है पेड़ों का और जो जंगल होते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। फ्लोरा फौना का अंतर होता है, डाइवर्सिटी का अंतर होता है। जो चीज़ें आपको फॉरेस्ट में मिलेंगी या जो इकोलॉजिकल सर्विसेज फॉरेस्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो सर्विसेज कभी भी ये प्लांटेशन वाले ट्री नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये देखिए, क्या ये जो प्लांटेशन वाले पौधे हैं, क्या ये इस जो फॉरेस्ट कवर का या जो फॉरेस्ट कवर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या ये उसको कंपनसेट कर सकते हैं? इसीलिए आर्टिकल कहता है कि जो कैलकुलेशन का मेथड है वो गलत है। ऑल ट्रीज आर नॉट वुड्स, सारे पेड़ जंगल नहीं होते, यही टाइटल है। तो यही बातें हैं जो आपको जाननी है। आइए, ये बातें हैं ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस के बारे में। आप इस प्रोग्राम के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर आप एक एक्सपीरियंस कोच के सुपरविजन में अपनी तैयारी करते हैं। इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, जिसके लिए एक टाइम मैनेजमेंट डायरी का सहारा लिया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा होती है। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं, लाइक ओरल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और इंस्टेंट टेस्ट, ठीक है। ये है टाइम मैनेजमेंट, ये है कोच डायरी और ये है टाइम मैनेजमेंट डायरी, जिसे आपको रेगुलरली फिल करना होता है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीटी फैक्ट के बारे में। ये जो पहला फैक्ट है, ये नीला कुरुंजी से संबंधित है। नीला कुरुंजी जो कि एक श्रब है, ये सोला फॉरेस्ट में पाई जाती है वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया में। देखिए, ये एक स्ट्रॉबी लैंथस या जीनस स्ट्रॉबी लैंथस स्पीसीज से बिलोंग करता है, जिसकी लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी का जो ब्लूमिंग पीरियड होता है कुरुंजी का, वो डिफर करता है अलग अलग, ठीक है। नीला कुरुंजी जो है वो 12 सालों में एक बार ब्लूम करता है, ये उसी की एक प्रजाति है और अभी ये माना जा रहा है कि इस साल जो जुलाई आने वाली है उसमें ये ब्लूम करेगा वेस्टर्न घाट में। ये देखिए 1300 से 2400 मीटर के एल्टीट्यूड पे उगता है और वेस्टर्न घाट के अलावा जो नीला कुरुंजी है, ये आपको जो सेवराय वाला रीजन है, ईस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये केवल वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में ये मिलता है। अगला जो फैक्ट है वो मिशन भागीरथ से संबंधित है। देखिए, मिशन भागीरथ अगर ऐसा आता है कि किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है, तो पहला तो आपके मन में जो दिमाग में बात आएगी वो होगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि भागीरथ जो रिवर है वो उसी रीजन में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मिशन भागीरथ जो है वो तेलंगाना स्टेट ने लॉन्च किया है। इसमें ये ऑब्जेक्टिव अपनाया गया है कि सेफ और सस्टेनेबल पाइप ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई की जाएगी जो सरफेस वाटर सोर्सेस हैं उनके ज़रिए, और हर हाउस होल्ड को कनेक्ट किया जाएगा, कनेक्शन दिया जाएगा पानी का, और ये जो पानी आएगा ये कृष्णा और गोदावरी बेसिन से आएगा, ठीक है। सभी वाटर सप्लाई जो स्कीम्स हैं सभी को इंटीग्रेट करने की बात चल रही है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जाएगा इसके ज़रिए। और अभी ये जो पूरा सिस्टम अडॉप्ट किया गया है तेलंगाना के द्वारा, इसे ही बिहार, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स भी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रीलिम्स मैसेज सीरीज के बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वो ये है कि वैसे तो इकोनॉमी के कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर्ड हैं और ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, वो अपलोड किए जाएंगे। लेकिन देखिए, अब बहुत समय बचा नहीं है, अगर आप कोई अल्टरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, जैसे कि mnal.org पे ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स हैं, अगर आप वो देखना चाहें इसके पहले तो आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किसी न किसी सोर्स का इस्तेमाल कर ही लिया होगा अब तक, इतनी देर तक तो कोई इंतज़ार नहीं करता है।
फिर भी वो लेक्चर्स अपलोड होंगे, लेकिन अगर उसमें लेट हुआ तो आपके पास इतना समय नहीं होगा। तो आप ऐसा करें कि किसी न किसी अल्टरनेट सोर्स का इस्तेमाल करें और जो सब्जेक्ट रह गए हैं उन्हें कवर जरूर कर लें, ठीक है। हिस्ट्री को भी आप nal.org से कवर कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। बाकी अगर आपने किसी और सोर्स से कवर कर लिया है तो उसमें कोई बात नहीं है, बाकी वो लेक्चर्स अपलोड होंगे ये तय है, ठीक है। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस पेपर 2, से टॉपिक को जोड़िए स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहाँ पर बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। देखिए, जो जुडिशरी है वो काफ़ी क्राइसिस में है। उस संबंध में अभी हमने देखा कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दीपक मिश्रा, उनके ऊपर अपोजिशन की पार्टीज जो हैं वो एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस चालू करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने नोटिस भी दी राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं उनके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं, बैकग्राउंड ले लेते हैं, सोर्सेस का इनसाइट है, मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। देखिए, दो ग्राउंड्स होते हैं बेसिकली किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के। पहला होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा होता है इनकैपेसिटी। देखिए, जजेस को प्रेसिडेंट अपने एक ऑर्डर से रिमूव कर सकते हैं, गिवन दैट एक पूरी इंक्वायरी और एक पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए, जो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में भी दिया गया है। इसका देखिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 मेंबर्स का साइन होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 मेंबर्स का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो प्रपोजल आ रहा है वो राज्यसभा में आ रहा है। स्पीकर या चेयरमैन के पास ये अधिकार होता है कि वो या तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो 3 मेंबर्स की एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो चार्जेस इम्पोज किए जा रहे हैं, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वो सही हैं या फिर नहीं है। जो कमेटी होगी उसमें 3 मेंबर्स होंगे, एक मेंबर या तो चीफ जस्टिस होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। अगर एलिगेशंस चीफ जस्टिस के खिलाफ ही हैं तो डेफिनेटली कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जो कि एक मेंबर होगा। दूसरे जो मेंबर होंगे वो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और जो तीसरे व्यक्ति होंगे वो कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे जिनको लॉ की अच्छी खासी जानकारी हो। देखिए, कमेटी अगर ये पा जाती है कि जिसके खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए हैं वो व्यक्ति गिल्टी है, वो जज गिल्टी है, तो फिर उस मोशन को प्रोसीड किया जाएगा हाउस में, और अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ, स्पेशल मेजॉरिटी जिसे हम कह सकते हैं, वो मोशन पास हो जाता है, जो कि जो 2/3 मेजॉरिटी है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कम नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है पॉलिटी के एक लेक्चर में, तो आप वहाँ पे जाके क्लैरिफाई कर सकते हैं कि किस मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों ही हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये प्रपोजल पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट एक सिग्नेचर के जरिए अपना अप्रूवल देते हुए उन्हें उनके पद से रिमूव कर सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल में ये बताया गया है कि जुडिशरी कई सारे फ्रंट्स पे कन्फ्रंटेशन झेल रही है, क्राइसिस झेल रही है। पहला क्राइसिस तो उनका जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर एग्जीक्यूटिव के साथ है। जो कोलोजियम रिकमेंडेशन देता है उसमें डिले किया जाता है, नामों को खारिज किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो इसका मतलब कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ या सुप्रीम कोर्ट के साथ। जो दूसरा क्राइसिस है वो ये है कि अभी अपोजिशन की पार्टीज ने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट करने की बात कही है, नोटिस सौंपा है राज्यसभा में। एक दिक्कत और भी हुई है, जैसे कि राज्यसभा के रूल्स के हिसाब से तब तक उस नोटिस की डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि उसे एडमिट ना कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका है। बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, और इसका कारण कहीं ना कहीं जो जुडिशरी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वही है। जो बेस बनाया गया है इस नोटिस का, वो जो चार जजेस ने एलिगेशंस लगाए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, उन्हीं को बेस बनाया गया है। जो मेन चार्जेस हैं वो यही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा अपने मनमानी तरीके से केसेस को एलोकेट करते हैं, और दूसरा जो मेडिकल कॉलेज का केस था उसमें उनके ऊपर भी एलिगेशंस थे, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन को हाल्ट कर दिया गया। यही सारे एलिगेशंस लगा के इम्पीचमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर इंटरनल क्रंच एक बेस बन रहा है इस इम्पीचमेंट का, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो कि मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो किस केस को किसे एलोकेट करना चाहते हैं, उन्हें जैसे वो जब कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत सजेशंस देते हैं कि किस जज को चुना जाना चाहिए, क्या वैसा ही मैकेनिज्म नहीं अपनाया जा सकता इंटरनल फंक्शनिंग में? हालांकि इसका काउंटर आर्गुमेंट ये दिया जा सकता है कि जो प्रिंसिपल आपने अपॉइंटमेंट में अपनाया है उसी प्रिंसिपल को आप रूटीन फंक्शनिंग में नहीं अपना सकते, फिर भी क्या इनफॉर्मल तरीके से उन्हें कोऑर्डिनेट करके जुडिशरी के क्रेडेंशियल को मेंटेन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था? ये बातें आर्टिकल में कही गई हैं। आर्टिकल में आगे कुछ बातें और भी बताई गई हैं, जैसे कि अपोजिशन पार्टीज के पास इतने नंबर्स नहीं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच कर सकें। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर्स हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं एम वेंकैया नायडू, कि वो इस प्रपोजल को एडमिट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये डेफिनेटली एक पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज को भी पता है कि वो इम्पीच नहीं कर पाएंगे। केवल नेम एंड शेम करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है हमारी जुडिशरी को, और यहाँ पर जुडिशरी के लिए काफ़ी डेंजर क्रिएट होता है, बिकॉज
वो तब इंडिपेंडेंट होकर अपना काम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दो आर्ग्यूमेंट और भी आ जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं अगर जो वेंकैया नायडू जी हैं वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं तो एक बात बनी रहेगी कि अगर उनके खिलाफ एलिगेशंस थे तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, और अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जबकि हमें पता है कि पूरा जो सिनेरियो है वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, तो जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसे कर्ब करने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल कंक्लूड करते हुए ये कहता है कि हमें अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। अगला आर्टिकल देखते हैं कॉमनवेल्थ समिट के बारे में है, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। देखिए कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग लंदन में अभी आयोजित की गई। आर्टिकल कहता है कि इस मीटिंग में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था लेकिन एक्चुअली में कुछ भी अच्छा हुआ नहीं। ठीक है, देखिए कॉमनवेल्थ के बारे में कुछ बातें हम बेसिक्स जान लेते हैं जो कि प्रिलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ कंट्रीज का जो पहले ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरी हुआ करती थी। एक दो देश और भी हैं जो ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरी नहीं भी हैं फिर भी वो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। इसे लंदन डिक्लेरेशन के जरिए 1949 में बनाया गया था। इसमें कई सारी कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और पैसिफिक कंट्रीज से हैं। देखिए अभी जो प्रेजेंट की मेंबरशिप है वो 53 कंट्रीज हैं, इसमें इंक्लूडिंग इंडिया। मालदीव्स ने इसे अभी हाल ही में छोड़ दिया है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हेड हैं अभी कॉमनवेल्थ, जो कि ब्रिटेन की महारानी हैं। वो 16 और कंट्रीज की मोनार्क भी हैं जिसे कॉमनवेल्थ रियाल्म्स कहा जाता है। देखिए कॉमनवेल्थ रियाल्म्स का मतलब ये है कि वहाँ पर पूरा सिस्टम होता है, वहाँ की सरकार इंडिपेंडेंट होती है, वो सॉवरेन कंट्रीज होती हैं। वहाँ पर जो रियल हेड होता है वो उनका प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन जो नॉमिनल हेड होता है वो ब्रिटेन की महारानी ही होती हैं। और वो कनाडा भी इस रियाल में है, मतलब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो उनकी नॉमिनल हेड हैं वो ब्रिटेन की महारानी ही हैं, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ही हैं। अब आपके यहाँ मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या वो कंट्रीज सॉवरेन हैं? तो कनाडा डेफिनेटली सॉवरेन है, मतलब जब वो वहाँ के कनाडा के नॉमिनल हेड के रूप में काम करती हैं तो वो कनाडा की सेपरेटली महारानी होती हैं, वो ब्रिटेन की महारानी की हैसियत से कनाडा की नॉमिनल हेड नहीं है, तो वो सॉवरेन कंट्रीज हैं। तो 16 कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी नॉमिनल हेड के रूप में ब्रिटेन की महारानी को ही स्वीकार करते हैं, तो उन्हें कॉमनवेल्थ रियाल्म कहा जाता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जो लैंड एरिया है जो वर्ल्ड का, उसका 20% कवर करता है, और ये जो 6 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स हैं सभी से इसकी कंट्रीज मेंबर्स हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ के बारे में ये बेसिक बातें आप जानते रहिए। अब आइए आर्टिकल पे बात करते हैं। देखिए जब इंड में बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारे मुद्दों पर बात की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंतिम चरण चल रहा था, तभी नाइजीरिया के एक जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा जो कि कॉमनवेल्थ पॉपुलेशन के दिल के काफ़ी नज़दीक सवाल था। वो ये था कि कब ये कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं, ये 2.4 बिलियन पीपल का जो एक स्ट्रांग ग्रुप है, ये फ्री मूवमेंट को बढ़ावा देगा। जैसे यूरोपियन यूनियन में लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, वैसा ही कॉमनवेल्थ में कब हो सकेगा? हालांकि ये सवाल जो कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल थे उनसे पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन को शिफ्ट कर दिया गया, पास कर दिया गया, जो वहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट गैदर हुए थे उनके पास, जिसमें कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे भी थी, और उन लोगों ने इस क्वेश्चन को टाल दिया, मतलब इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता था कि फ्री मूवमेंट को तवज्जो दी जाए। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समिट इंपॉर्टेंट हो सकती थी, क्योंकि एक डिकेड के बाद, मतलब 10 सालों के बाद मिस्टर मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके पहले देखिए मनमोहन सिंह जी ने ऑस्ट्रेलिया में 2011 में, श्रीलंका में 2013 में समिट को अटेंड नहीं किया था बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट के चलते, और मिस्टर मोदी ने भी माल्टा में जो 2015 में समिट हुई थी उसे इग्नोर कर दिया था। तो 10 सालों के बाद किसी ने, प्राइम मिनिस्टर ने जाके इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो एक अच्छा अप्रोच अपनाया जा सकता था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। लेकिन जो माइग्रेशन का मुद्दा है उस पर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बना हुआ है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। माइग्रेशन के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बात की नहीं गई, बस एक छोटा सा पैराग्राफ बोल दिया गया, सेफ रेगुलर और रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन को हम प्रमोट करेंगे। इतना काफ़ी नहीं है, ब्रिटिश में एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, बिकॉज वहाँ पे जो सो कॉल्ड विंडोज़ जनरेशन है, विंडोज़ जनरेशन वो लोग हैं, एक देखिए एम्पायर विंडोज़ जहाज़ था 1948 में, उस जहाज से ही कैरेबियन आइलैंड से बहुत सारे जो लेबरर्स थे वो ब्रिटेन आए थे काम करने के लिए। तो अब जो है एक कॉन्ट्रोवर्सी इमर्ज होकर आई कि उन सभी लोगों को वापस भेजा जाएगा, उसके लिए थेरेसा मे ने माफ़ी भी मांगी इस कॉमनवेल्थ में जो ये पूरी मीटिंग हुई उसमें। तो अभी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में है विंडोज़ जनरेशन। विंडोज़ जनरेशन बस एक इंडिकेशन है जो कैरेबियन कंट्रीज से लोग आए थे 1948 में उनके लिए। ठीक है, 2018 की जो समिट है वो मोबिलिटी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती थी। ये सभी कंट्रीज एक मैसेज सेंड कर सकते थे कि ओपननेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा वहां कुछ हुआ नहीं। देखिए ये समिट कितनी सक्सेसफुल रही ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने सवाल पूछा किससे है। अगर ये सवाल ब्रिटेन से पूछा जाए, जैसा कि पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि ब्रेग्जिट के बाद नॉन यूरोपियन कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अलाइन हो ब्रिटेन के साथ। देखिए कॉमनवेल्थ की जो पोजीशन है उस पर भी कई सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं।
जैसे कि ये माना जाता है कि जो स्टैंड है, जो पोजीशन है ब्रिटेन की कॉमनवेल्थ में, वो क्वेश्चनिंग है। ये उसकी जो इंपीरियलिस्टिक नोशन है उसको शो करता है, एम्पायर 2.0 शो करता है। जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरवेंशन करते हुए ये डिक्लेयर किया कि जो उनके बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, वही इस कम्युनिटी के आने वाले हेड होंगे। जबकि कई सारे देश जो हैं वो डेमोक्रेटाइजेशन की मांग कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि जो लीडरशिप है उसे और देशों को भी पास किया जाना चाहिए। हालांकि इंडिया ने भी इस नोशन को एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी विरोध के, ये मानते हुए कि इस ग्रुप की लीडरशिप में बदलाव होने की संभावना अभी भविष्य में नहीं है। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि वैसे तो कई सारी बातें की गई, जैसे कि ब्लू चार्टर डिक्लेयर किया गया ओशन गवर्नेंस को लेकर, कॉमनवेल्थ कनेक्टिविटी एजेंडा भी रखा गया ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, ताकि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको कंटेन किया जा सके। लेकिन कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया कि अपने गोल को अचीव कैसे किया जाएगा, तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रही कॉमनवेल्थ की ये मीटिंग, इन नटसेल हम ये कह सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए यही है, डू यू थिंक कॉमनवेल्थ इज रेलेवेंट टुडे? आपको कमेंट करना है 150 शब्दों में, ठीक है। अगला आर्टिकल देखते हैं, डेथ पेनल्टी नॉट द आंसर, पेपर टू से टॉपिक को जोड़िए। देखिए आर्टिकल कहता है कि हमें कन्विक्शन रेट को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और इसके साथ साथ जो विक्टिम्स हैं हमें उन्हें रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए, यही एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो सकता है। अभी संडे को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस साइन किया जिसमें अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप के केसेस आते हैं तो डेथ पेनल्टी, मौत की सजा दी जाएगी, फांसी पर लटका दिया जाएगा। अच्छी बात है, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होना जरूरी है। लेकिन देखिए इसमें एक प्रावधान और भी किया गया कि अगर कोई ऐसे क्रिमिनल्स हैं तो उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हैं ऑर्डिनेंस में, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर्टिकल इस चीज से सहमत नहीं है, वो कहता है कि अगर आप ऐसे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट करते हैं तो उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। नुकसान ये होता है कि फिर जो परपेट्रेटर्स होते हैं वो विक्टिम्स को मारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो विक्टिम को मार देंगे तो उनके बचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिए लॉ में जो सीवियरिटी दिखाई गई है वो डेफिनेटली डिटर नहीं कर पाएगी उन लोगों को जो ऐसे क्राइम्स करते हैं, बिकॉज देखिए ऐसा इसके पहले भी किया जा चुका है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास किया गया था, तो क्या उसके बाद जो ब्रूटल रेप की घटनाएं थी वो कम हो गई हैं? नहीं हो गई हैं। एक्चुअली में समाधान ये है ही नहीं, हम कहीं और फोकस कर रहे हैं, हमें कहीं और फोकस करना चाहिए था। हमारे सोसाइटी में जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है वो ऐसी समस्याओं की मूल जड़ है, और हम ऐसे प्रावधान लाके जो रियल सॉल्यूशन है उससे अपने आप को भटकाने का प्रयास करते हैं। आज जो वास्तव में हमें सॉल्यूशन अपनाने की आवश्यकता है वो ये है कि हम पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट करें और जो सर्वाइवर है उसके रिहैबिलिटेशन का अच्छा प्रावधान करें। हमें चाहिए कि देखिए जो और दिक्कतें हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। जैसे कि जो कैपिटल पनिशमेंट के क्रिटिक हैं वो ऐसा मानते हैं कि दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत यह है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो प्रॉपर नहीं करती है, कन्विक्शन रेट कम है, और जो जुडिशरी भी है वो बहुत तेजी से इसमें काम नहीं कर पाती है, अनवॉरंटेड डिले किया जाता है पुलिस के द्वारा केसेस को फाइल करने में, और कन्विक्शन रेट भी काफ़ी कम है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे एक मैसेज जाता है उन लोगों में जो ऐसे क्राइम करते हैं कि जब और लोग बच जा रहे हैं तो वो भी बच सकते हैं, और उनके मन में जब तक ये भावना रहेगी तब तक आप किसी भी सजा का प्रावधान कर दीजिए, चाहे फांसी पर लटकाने का ही प्रावधान क्यों ना कर दीजिए, ये जो केसेस हैं वो कम नहीं होंगे। जो सही सॉल्यूशन होगा वो यही होगा कि आप एक अच्छा सा प्रावधान करें कि अगर कोई भी ऐसा गलत काम करता है, कोई भी ऐसे क्राइम करता है, तो वो डेफिनेटली अपने अंजाम तक पहुंचेगा, उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। अगर ये मैसेज दे दिया जाए सोसाइटी में तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो डटर हो, वो डरे कि अगर वो कुछ भी करेंगे तो बचने की संभावना नहीं है। यहां पर फिर क्या काम करेगा, क्या करना चाहिए? देखिए हमें कन्विक्शन रेट को बढ़ाना है, सही बात है, पुलिस और जुडिशियल सिस्टम को एम्पावर करना है, सही बात है, हमें जो सर्वाइवर है उसके रिहैबिलिटेशन पर भी काम करना है। उसके लिए कुछ स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाए जो ऐसे केसेस को जल्दी जल्दी निपटा दें। दूसरा, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स होने चाहिए और भी ज़्यादा। यहाँ पर देखिए सारे काम एक ही जगह हो जाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन आके वहीं करेगी, मेडिकल और लीगल हेल्प वहीं मिल जाएगी, ठीक है। विटनेस प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि केसेस आसानी से सुलझ सकें। कंपनसेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए रेप सर्वाइवर्स के लिए, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं उसको और ओवरहॉल करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आइए अगला आर्टिकल देखते हैं, रीप्लांटिंग इंडियन कॉटन, पेपर से टॉपिक को जोड़िए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अभी एक प्रॉब्लम हमारे इंडिया में कॉटन की फील्ड में आ रही है, दैट इज पिंक ग्लो वॉर्म, एक कीड़ा है जो कि कॉटन की फसलों को बर्बाद कर रहा है। रिसर्चर्स ऐसा मान रहे हैं कि अब इंडिया को जो नॉर्मल ओपन पॉलिनेटिंग सीड्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पिंक ग्लो वॉर्म ये कीड़ा है जो कि कॉटन के ऊपर आकर कॉटन को खराब कर देता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं पिंक ग्लो वॉर्म प्रॉब्लम के बारे में। देखिए बीटी कॉटन का इस्तेमाल हमने करना शुरू किया 2002 के बाद, लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, वो ये है कि हाइब्रिड कॉटन ने क्या वो चीजें हमें दी हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या बीटी कॉटन से हमें एक्चुअली में फायदा हुआ है। इंडिया देखिए 1970s के बाद से ही इस टेक्नोलॉजी में पायोनियर रहा है, लेकिन आज प्रेजेंट में इंडिया एकमात्र ऐसा देश बचा है जहां पर हाइब्रिड कॉटन को एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है।
चाइना वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो कम करते हैं, वो ओपन पॉलिनेटिंग सीड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये जो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई है पिंक बॉलवॉर्म की, वो एक्चुअली इस वजह से आई है क्योंकि हमारा जो रिलायंस है वो बीटी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज इंडिया में 95% जो कॉटन उगाया जा रहा है वो बीटी कॉटन है, ठीक है। देखिए कमर्शियल कॉटन हाइब्रिड की शुरुआत जो है वो 1970 में डेवलप किया गया था इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा, चंद्रकांत टी पटेल जी के द्वारा। उसके बाद जो कॉटन की फार्मिंग थी वो काफ़ी रिवोल्यूशनराइज हो गई, लेकिन 2002 तक ये बहुत वाइड स्केल पर नहीं गई क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी पड़ रही थी। लेकिन 2002 के बाद जब बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया जाता है तो अब जो फार्मर्स थे उनको पेस्टिसाइड्स पर बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, तो उनकी कॉस्ट कम हो गई और बहुत ज़्यादा बीटी कॉटन का इस्तेमाल किया गया। 2011 के बाद सिचुएशन ये आ गई कि जो भारत में बीटी कॉटन या उगाया जा रहा है कॉटन उसका 95% बीटी कॉटन है, जो कि 2002 में महज 50% हुआ करता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या की जड़ बनी हमारे लिए। इंडिया में देखिए जो प्रॉब्लम आ रही है, एक ये भी है कि इंडिया की जो यील्ड है वो काफ़ी कम है। यील्ड कम होने का कारण ये है, देखिए 500 केजी पर लिन पर हेक्टेयर हमें मिल रहा है कॉटन जो उगाया जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया टर्की जैसे देशों का 1/4 है, वहाँ पर जबकि ओपन पॉलिनेशन वैराइटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये पजलिंग है कि आखिर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है फिर भी हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं या हमारा प्रोडक्शन एरिया हो सकता है। लेकिन देखिए कुछ और भी गलतियाँ हमने की हैं, जैसे कि बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने कॉटन की वैराइटीज़ को और ज़्यादा एंट्री नहीं दी, उस पर हमने हेजिटेंसी दिखाई, अप्रूवल नहीं दिया। उसका नुकसान क्या हुआ कि इन कंपनीज़ को जो कॉस्ट थी ऐसे सीड्स को जनरेट करने की वो उन कंपनीज़ के लिए बढ़ गई, तो उन्होंने लो क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स का जनरेशन शुरू कर दिया, वो सीड्स की क्वालिटी को गिराना शुरू कर देते हैं। कंपनी की कॉस्ट बढ़ी तो उन्होंने जो क्वालिटी थी उसको गिरा दिया, वीक टेस्टिंग की जाने लगी, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि जो बीटी टॉक्सिन प्रॉमिस किया जाता था इन सीड्स के द्वारा वो भी हमें नहीं मिला, इस वजह से भी नुकसान हुआ। और जो तीसरी समस्या थी वो ये थी कि देखिए जो बीटी कॉटन्स होते हैं वो एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लिए सूटेबल होते हैं, अगर उन्हें दूसरे एग्रोक्लाइमेटिक जोन में उगाया जाएगा तो वो नुकसान करेंगे, लेकिन इंडिया में इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी गई। जैसे कि बीटी कॉटन कई बार ऐसे होते हैं कि वो इरिगेटेड फार्मलैंड के लिए होते हैं, उन्हें सही समय पर सही मात्रा में पानी चाहिए होता है, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर भारत में ये समस्या देखने को मिली है, मतलब ऐसे एरियाज में भी बीटी कॉटन को उगाया गया जहाँ पर पानी की कमी थी, वो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिले। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या ओपन पॉलिनेटिंग वैराइटीज़ का इस्तेमाल करके आज हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं? देखिए हो सकता है, एक अल्टरनेटिव हमारे पास और भी है कि हम बोलगार्ड 2 का इस्तेमाल करें, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी पेटेंट देने से मना कर दिया है, और ये एक ओपन पॉलिनेटिंग वैराइटी भी है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि एक और ज़्यादा रेडिकल स्टेज हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा कि हम बीटी टेक्नोलॉजी को ही स्किप कर दें और हम नॉर्मल जो सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। खैर इसे अपनाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी एक अल्टरनेटिव है, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का आपके सामने है, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट, 200 शब्दों में बताना है। इंटरव्यू का क्वेश्चन आज आपके लिए क्या है वो देख लीजिए, व्हाट इज मसाला बॉन्ड एंड व्हाई इट इज कॉल्ड मसाला बॉन्ड, अब बताइए कि मसाला बॉन्ड क्या है, दूसरा इसे मसाला बॉन्ड क्यों बोलते हैं, मसाला का इससे क्या लेना देना है, आपको यही बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स